साल 2017 में फ्रेशनेस रखने के लिए बॉलीवुड इस बार कोई कसर नहीं रख रहा। यूं तो अगले साल आपको बड़े पर्दे पर ऐसी कई सारी नई जोड़ियां देखने को मिलेंगी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनकी केमिस्ट्री काफी वक्त पहले से ही खबरों में छाई हुई है। ऐसी जोड़ियों में शामिल है ऋतिक रोशन और यामी गौतम की पैरिंग। जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्म काबिल में ऋतिक और यामी साथ नजर आएंगे। खास बात यह है कि दोनों ने इस फिल्म में ब्लाइंड कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और फिल्म के ट्रेलर में भी इनकी जोड़ी काफी फ्रेश लग रही है। फिल्म रईस में शाहरुख खान अपनी जोड़ी बनाएंगे डेब्यूटेंट माहिरा खान के साथ। माहिरा पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस हैं। माहिरा और शाहरुख की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी बेसब्र हैं। अगले साल सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की जोड़ी भी। क्यों तो अक्षय की हर फिल्म में उनके ऑपोजिट नई को एक्ट्रेसेस होती हैं, लेकिन भूमि उन सभी एक्ट्रेसेस के मुकाबले काफी फ्रेश हैं। 2015 में दम लगा के हाइशा में अपनी इम्प्रेसिव एक्टिंग के साथ भूमि ने बॉलीवुड में एंट्री ली और अब एक साल में उन्हें अक्षय कुमार जैसी सुपरस्टार के साथ स्क्रीन पे शेयर करने का मौका भी मिल गया। टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग इस वक्त चल रही है और इसकी ऑनसेट तस्वीरें अक्षय अक्सर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डालते रहते हैं। अब जब सिजलिंग केमिस्ट्री की बात हो तो सुशांत सिंह राजपूत और कृति सनोन की जोड़ी का जिक्र तो होना ही चाहिए। अगले साल ये जोड़ी नजर आएगी फिल्म राब्ता में, लेकिन इस साल भी सुशांत और कृति सुर्खियों में बने रहे, वजह थी दोनों के बीच लिंकअप की खबर। लिहाजा बॉलीवुड के इस रूमर कपल को स्क्रीन पर रोमांस करते हुए देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे लिंकअप के मामले में तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस की जोड़ी भी पीछे नहीं थी। सिद्ध और जैकलीन अगले साल एक्शन फिल्म रीलोडेड में नजर आएंगे। बीच में खबरें आई थी कि फिल्म की शूटिंग के वक्त दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल रहते थे, वहीं शूटिंग के बाद भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में जैकलीन ने इन सारी खबरों को ओवर बताया। दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री को देखना भी। दोनों ऐसा कपल नजर आएंगे संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावती में। दीपिका जहां फिल्म में रानी पद्मावती के किरदार में होंगी, वहीं शाहिद उनके ऑन स्क्रीन पति यानी राणा रावल रतन सिंह के रोल में। खास बात ये है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह भी हैं, लेकिन वो इस बार दीपिका के हीरो नहीं बल्कि फिल्म के विलेन के किरदार में होंगे। रणवीर अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभा रहे हैं, वहीं उनके ऑपोजिट नजर आएंगी अदिति राव हैदरी। मीडिया के सामने खुलकर रणबीर कपूर को अपना क्रश मानने वाली आलिया भट्ट अगले साल उन्हीं के ऑपोजिट नजर आएंगी। अर्जुन कपूर भी अगले साल ऑन स्क्रीन नई नई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ी बनाते नजर आएंगे। हाफ गर्लफ्रेंड में अर्जुन दिखेंगे श्रद्धा कपूर के ऑपोजिट, वहीं मुबारका में उनकी जोड़ी बनेगी इलियाना डिक्रूज और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड आतिया शेट्टी के साथ। अब देखना यह है कि इनमें से कौन सी जोड़ी ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आती है।